माइक्रोमिल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं डिस्टोनर मशीन, यानी गेहूँ, चावल और अनाज को साफ करने वाली मशीन। वीडियो को शुरू करने से पहले, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मशीन के रिलेटेड नई नई अपडेट्स मिलती रहे। आज हम बात करेंगे डिस्टोनर मशीन, यानी कि अनाज को साफ करने वाली मशीन, अनाज को सॉर्टिंग करने वाली मशीन, उसको ग्रेडिंग करने वाली मशीन या मिट्टी कंकर अनाज में से साफ करने वाली मशीन के बारे में। सबसे पहले देखते हैं हम इस वीडियो में जिसमें किस तरह से हम उसको ऑपरेट करते हैं और किस तरह से उसमें से अनाज और कंकर मिट्टी निकालते हैं। इसका हैवी MS बॉडी स्ट्रक्चर है, नीचे एक फैन ब्लोअर की तरह लगा हुआ है जिसे उसको ओपन करते ही उसमें से हवा ब्लो करके जो वजन वाली चीज़ है उसको पीछे की तरफ धकेल देता है और जो हल्की चीज़ है जैसे कि अनाज है या उसमें जो हल्का हल्का जो भी मटेरियल है वो सब आगे की तरफ सरका देता है। ये मशीन 2 HP 3-phase मोटर से चलता है। इसमें अलग अलग वेरिएंट वाले साइज वाले मशीन भी अवेलेबल है। आप ये मशीन 2 HP मोटर 3-phase से चलता है और इसकी क्षमता कम से कम 500 kg की है। इस मशीन का उपयोग कॉमर्शियली किया जाता है। इससे हम लेबर कॉस्ट को भी सेव कर सकते हैं। इस मशीन को चलाना बहुत ही आसान है। ऊपर वाले बर्तन में एक बार अनाज डालने के बाद धीरे धीरे उसको चलने पे गिरने देना है और अब मशीन अपनी तरह से काम करके कंकर और मिट्टी उसमें से अलग करके दे देगा। इस मशीन को फाउंडेशन करना ज़रूरी है। इस मशीन के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी के लिए कृपया हमें नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करें।